हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिखा गहराना और आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी एक समस्या के बारे में जो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिसे हम PCOD के नाम से जानते हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के नाम से जानते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो रहता है, महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरीकों से परेशान करता है। इस समस्या के चलते हुए महिलाओं को थकान, तनाव की समस्या होती है, महिलाओं पे पीरियड्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, क्योंकि PCOD में आपके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ से दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से उन्हें और भी बहुत सारी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। फर्टिलिटी इश्यूज भी बहुत कॉमन होते हैं अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को टाइम पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो। आज हम जानने वाले हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के लिए आप क्या-क्या अपने लाइफस्टाइल में, अपनी हैबिट्स में चेंजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने PCOD को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, उनको रेगुलेट कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाले हैं जो कि हर फीमेल के लिए जानना बहुत जरूरी है। आइए शुरू बात करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, बहुत कॉमन कंडीशन हो चुकी है। आज के टाइम में हर 10 में से एक विमेन अपने एज ग्रुप, जो अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं 12 to 45 ईयर्स में, कभी ना कभी इन समस्याओं का सामना कर रही हैं। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आपके हॉर्मोन्स जो होते हैं वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आता है, जिसमें आपके हॉर्मोन्स में गड़बड़ी देखने को मिलती है। क्या कॉज करता है PCOD को? क्या रीज़न है कि PCOD फीमेल्स में देखने को मिल रहा है? नॉर्मली क्या होता है, हमारा यूट्रस रहता है, यूट्रस कंटेन करता है ओवरीज को। ओवरीज का काम होता है एग को मैच्योर करना और एग्स को टाइम टू टाइम रिलीज करना। सो हमारी ओवरी में फीमेल सेक्स हार्मोन्स मिलते हैं और कुछ मात्रा में मेल सेक्स हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन्स पाए जाते हैं। ये दोनों ही हार्मोन इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एग को रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो आता है। बट PCOS में क्या होता है कि ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं, इनका इम्बैलेंस देखने को मिलता है। नॉर्मली ओवरी में एग्स हैं, एग्स मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद उन्हें हर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हर मंथ आप रिलीज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन का प्रोसेस। लेकिन क्योंकि PCOS में क्या हो रहा है कि स्लाइटली ज़्यादा मात्रा में आपके मेल हॉर्मोन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो मेल हॉर्मोन्स की वजह से क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर जो एग्स हैं ओवरी में, वो ना ही तो मैच्योर हो पाते हैं प्रॉपरली और ना ही वो ओवरी से रिलीज हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरी जो होती है हमारी, दिस इज हेल्दी ओवरी और दिस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ओवरी। तो यहाँ आप देखोगे आपको गांठ नुमा संरचनाएं देखने को मिलती हैं। सो बहुत स्मॉल सिस्ट जो होते हैं वो ओवरी में फॉर्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से इस कंडीशन का नाम दिया गया है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अभी हम बात करने वाले हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस इन PCOD। PCOD में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जो आपकी बॉडी है वो आपके इंसुलिन को के लिए रेजिस्टेंस नहीं शो करती है। लाइक बॉडी की इंसुलिन के लिए जो सेंसिटिविटी है वो बहुत कम हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी बॉडी में अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ भी रहा होता है तो बिकॉज ऑफ PCOD आपकी बॉडी कंसिडर करती है इसे नॉर्मल। तो आपकी बॉडी में हाई लेवल ऑफ इंसुलिन जो होते हैं वो अराइज होते हैं। जब भी हाई लेवल ऑफ इंसुलिन बॉडी में अराइज होंगे तो वो क्या करते हैं कि आपके अमाउंट ऑफ जो मेल हॉर्मोन्स का अमाउंट होता है वो बॉडी में इंक्रीज कर देते हैं। मेल हॉर्मोन्स का लेवल अगर इंक्रीज होता है तो फीमेल्स में
मेंस्ट्रुअल और फर्टिलिटी इश्यूज आने लगते हैं, जॉ लाइन, चेस्ट, बेली पे हिरोसिटिज्म कहते हैं हम, जिसमें आपको जॉ लाइन, चेस्ट और बेली में हेयर्स ग्रोथ देखने को मिल जाती है, पिंपल्स, एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके हेयर थिनिंग होने लगता है या फिर हेयर लॉस, स्कैल्प पे आपके जो हेयर्स हैं वो कम होने लगते हैं, मूड इश्यूज आने लगते हैं सच एज डिप्रेशन, लो सेल्फ इस्टीम, ये सारी दिक्कतें आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती हैं। सो हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन की वजह से ही आपका जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी की बात करते हैं। किसी भी बीमारी को जानने और उसकी स्थिति को समझने के लिए मरीज में उस डिजीज़ के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद हम बीमारी की गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे पीसीओडी के कुछ जनरल सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट में वेट गेन होने लगता है, बालों का कम होने लगता है, एलोपेसिया या गंजापन आना, पुअर एनर्जी लेवल, फीमेल्स को बहुत ज़्यादा थकान की शिकायत रहती है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, रात में नींद अच्छे से ना आना, इंसोम्निया का प्रॉब्लम होना, फेस पे एक्नेस, पिंपल्स आने लगते हैं, आप देखते हो हेयर ग्रोथ होने लगता है जो काफ़ी प्रोमिनेंट होता है फेस पे, चेस्ट में, बेली में और बैक में, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो फीमेल्स की इरेगुलर हो जाती है, कई बार एब्सेंट भी रहता है, पीरियड्स जो होते हैं वो पेनफुल होते हैं फीमेल्स की, बिकॉज इतने सारे इश्यूज के चलते हुए फीमेल एक पुअर मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, लो सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, फर्टिलिटी इश्यूज भी फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। सो फीमेल्स, अभी हम बात करते हैं सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप पीसीओडी को पूरी तरह कैसे ख़त्म कर सकते हो। ट्रस्ट में, आप पीसीओडी को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं आपको पीसीओडी के लिए मेडिसिनल रिजीम दी जाती है। यस, आपको मेडिसिनल रिजीम को कंप्लीट करना है, लेकिन अगर आप रिलायबल हो कि आप सिर्फ मेडिसिन लोगे और आपका पीसीओडी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज पीसीओडी जो है वो आपका मोर ऑफ लाइफस्टाइल की वजह से एक डिजीज़ है जो आपके हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस कर रहा है। सो आपको मेडिसिनल रिजीम को भी कंप्लीट करना होगा, साथ साथ में आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना होगा, जिसके अंदर आपने हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज एंड वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना होगा, वेट मैनेजमेंट करना होगा, स्ट्रेस रिलीजिंग टेक्निक्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा, एंटी इंफ्लेमेटरी ट्रीटमेंट्स लेने होंगे, बिकॉज जब भी सिस्ट फॉर्म होती है, नॉर्मल फिजियोलॉजी में सिस्ट नहीं होती हैं हमारे ओवरीज में, लेकिन अगर डिजीज में आपके ओवरीज में सिस्ट आ रही हैं तो उनकी वजह से इन्फ्लामेशन जो होता है वो देखने को मिलता है। सो एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट हमें लेना होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा अपने लिए क्या बिहेवियर है। सो पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स और सेल्फ केयर जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इन सब भी पॉइंट्स पे वन बाय वन बात करने वाले हैं, और अगर आप इस रिजीम को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने पीसीओडी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं। हम देखते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल का एक एग्जांपल। सो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में हम कंपेयर कर रहे हैं देन एंड नाउ में। सो पहले क्या होता था कि हम स्लीप ऑन टाइम करते थे, बट अभी नेटफ्लिक्स और वर्किंग एटमॉस्फेयर की वजह से, नाइट शिफ्ट्स की वजह से हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। बैलेंस्ड मील, पहले हम बैलेंस्ड मील ज़्यादा खाते थे, अभी ईजिली अवेलेबल होता है हमें जंक फूड, फास्ट फूड, स्नैकिंग, अभी पहले हम जूस वगैरह ज़्यादा लेते थे, लेकिन अभी समोसा स्नैक टाइम हमारा होता है, समोसा, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स। पोर्शन कंट्रोल में, पहले आपके फूड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, सबका प्रोपोर्शन जो था एक कंट्रोल्ड होता था, घर का खाना जिसे हम कहते हैं। बट आज के टाइम में क्या होता है कि लोग फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, बट कुछ भी मेंटेन नहीं है, किस अमाउंट में ले रहे हैं उन्हें नहीं पता है, दे आर जस्ट ईटिंग, जो भी अवेलेबल है हम वो खा लेते हैं। कैलोरी एक्सपेंडिचर, पहले हम कैलोरी एक्सपेंडिचर के लिए वॉक करते थे, साइकिलिंग करते थे, वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, बस आज के टाइम में अगर आपके पास फ्री है तो आप मोबाइल चला रहे हो, आप लैपटॉप चला रहे हो, तो आप देख सकते हो कि आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर जो है
वो कितना हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है। सबसे पहली चीज जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्रूव करनी है वो है आपका हेल्दी ईटिंग हैबिट। सो हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ड्रिंकिंग वाटर। ओके, पानी पीना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको दिन में 12 ग्लास पानी तो पीना ही पीना है। सो पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाटर आपकी बॉडी की आधी इम्प्योरिटीज़, आधी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देता है। जितने अच्छे से आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत हद तक कम हो जाएंगे। अनहेल्दी डाइट अवॉइड करनी है। ओके, आपको फाइब्रस फ्रूट्स लेने हैं ताकि आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम हो सके। फाइब्रस फ्रूट्स में आपके एप्पल हो गया, ककम्बर्स हो गए, ये सब आपका फाइब्रस फ्रूट हो जाता है। आप फिग ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, आलमंड ले सकते हो। फाइब्रस फ्रूट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। आपको प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है और अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट को कम करना है। सो प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए आप ओट्स ले सकते हो, सोया प्रोटीन्स ले सकते हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कम करने के लिए चपातीज आर अलाउड, आप होल व्हीट भी खा सकते हो, बट अगर बेटर है अगर आप रागी, जौ, ओट, ये जौ ओट ये सारे मील्स पे अगर ऑप्ट करते हो तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। आपको डाइट में मैग्नीशियम और जिंक रिच डाइट को यूज़ करना होगा। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स अच्छे से खा सकते हो, ऑलमंड्स ले सकते हो, जिंजर टी बहुत अच्छा होता है क्योंकि जिंजर टी आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन आ रहा है उनको कम करने में बहुत हद तक काम करती है। विटामिन ए रिच डाइट लेना आपके लिए ज़रूरी होता है। विटामिन ए, कैरेट, एप्पल, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है। सबसे अच्छा सोर्स विटामिन डी का है कि आप कुछ देर के लिए सनलाइट को एक्सपोजर लो। सो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको बहुत सारा ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, फाइब्रस फ्रूट्स खाना है। ये सब क्या करेगा, आपकी बॉडी में इंसुलिन के रेजिस्टेंस को लो करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आप अपने वेट को डायरेक्टली मैनेज कर पाओगे। अभी बात करते हैं कि आपको क्या अवॉइड करना है। अवॉइड करोगे आप शुगर, प्रोसेस जंक फूड, ऑयली फूड पूरी तरह अवॉइड करेंगे। पैक फूड्स को अवॉइड करो। जूस अगर आपने लेना है, फ्रेश जूस पियोगे, नो पैक जूस और चिप्स। कैफीन को अवॉइड करिए, टी, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होगा। आइए अभी बात करते हैं हम एक्सरसाइजेस के बारे में। सो हम बात करने वाले हैं कार्डियो ट्रेनिंग के बारे में, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस ट्रेनिंग के बारे में और कोर स्ट्रेंथनिंग के बारे में। कैसे आप एक्सरसाइजेस के थ्रू अपनी पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हो। कार्डियो ट्रेनिंग, सो कार्डियो ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहता है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, फर्टिलिटी को बूस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके साथ साथ ये आपके मूड को स्टेबलाइज करता है। सो अगर कार्डियो ट्रेनिंग की बात करते हैं तो कार्डियो ट्रेनिंग में आता है हमारा ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग एंड जुम्बा फॉर्म्स। ये सारी एक्सरसाइजेस आपकी एरोबिक एक्टिविटीज या फिर कार्डियो ट्रेनिंग के अंदर आती हैं। जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हो तो ये एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी इंसुलिन के लिए इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। सो ऐसा माना गया है, रिसर्चेस कहती हैं कि अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा एक दिन में अगर आप कार्डियो ट्रेनिंग करते हो तो आपका वेट मैनेजमेंट इफेक्टिवली हो सकता है, डिप्रेशन एंड एनजाइटी के सिम्टम कम होते हैं, उसके अलावा जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी बेटर होने लगते हैं एंड ओव्यूलेशन भी होता है। सो कार्डियो ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। सेकेंड एक्सरसाइजेज आर आवर रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज। सो अगेन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हेल्प करते हैं आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं और आपका बॉडी कंपोजिशन। जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपकी बॉडी में जो फैट कंपोनेंट है वो धीरे धीरे रिप्लेस होने लगेंगे और ज़्यादा मांसपेशियां या मस्कुलर टिश्यू जो है वो फॉर्म होगा। यहाँ पे एक्सरसाइजेस का टाइप जो रहेगा वो आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करोगे से स्टार्ट करोगे, जैसे कि स्क्वैट्स, पुशअप, ट्राइसेप्स, प्लैंक, क्रंचेस।
ये सारी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। धीरे धीरे इनकी आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। जब आप शुरू करोगे लाइट इंटेंसिटी से करोगे, कम रेपिटेशंस रखोगे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बॉडी स्ट्रेंथ और स्टेमिना गेन करती है, आप एडवांस लेवल पे जा सकते हो। ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं, ये इंसुलिन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म को बेटर करेंगी और आपका मसल मास जो होगा उसको बढ़ाएंगी। कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अगेन कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर जनरल वेलबींग। आपकी कोई भी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हमें चाहिए कि आपकी कोर मसल्स जो हैं वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपकी कोर मसल्स बेटर हैं तो ये आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए भी रेडी करती है। बिकॉज अगर आप आइडियल वेट के ऊपर हो तो आपकी जो लोअर बैक मसल्स हैं, आपका जो पुअर पॉस्चर है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने एक्सरसाइज प्लान में कोर ट्रेनिंग को ज़रूर रखेंगे। कोर मसल्स जो होती हैं वो स्पाइन को सपोर्ट करती हैं और आपको ये भी सिखाएंगी कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप कैसे अपने पॉस्चर्स को इफेक्टिवली चेंज करो कि आपको इंजर्ड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑल द फीमेल्स के लिए, अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को भी ट्रेन करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती हैं वो आपको हेल्प करेंगी इन प्रिवेंटिंग इनकॉन्टिनेंस और आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करती हैं। प्लस इसके साथ साथ आपका पेल्विक स्टेबिलिटी जो है वो भी बहुत बेटर हो जाएगा, जो कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जो वेट गेन होगा उन सबको कंट्रोल करने के लिए, उन सबको सपोर्ट करने के लिए, बेबी को सपोर्ट करने के लिए आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं उनका स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम कार्डियो रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और प्रो ट्रेनिंग जब आप परफॉर्म करोगे देन यू विल रियलाइज ग्रेजुअली कि आप धीरे धीरे अपना एक हेल्दी बॉडी वेट जो है वो अचीव कर रहे हो। आपने अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा फैट को रिप्लेस कर दिया है और आप एक लीन बॉडी की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हो। प्लस क्योंकि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है नाउ इट केम, आपका रेजिस्टेंस कम हो गया है, तो आपका मेटाबॉलिज्म बेटर हुआ है जिसकी वजह से आप टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम्स को, डिजीज को काफी हद तक कम कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉलो योर बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं आपके स्लीपिंग पैटर्न के बारे में। स्लीपिंग पैटर्न जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्लीप अल्टीमेटली आपके हॉर्मोन्स की मास्टर कंट्रोलर होती है, क्योंकि ये सर्काडियन रिदम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है एंड सर्काडियन रिदम हेल्प करती है हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों सिस्टम्स के बीच में एक हमें लिंक दिखता है जो कि स्लीप वेक साइकिल और सर्काडियन रिदम के बीच में होता है, जो कि हमें जो कि चाहता है कि हम एक अच्छी नींद लें, ठीक है, ताकि हमारे जो मेटाबॉलिक और हार्मोनल फीचर्स आते हैं पीसीओएस में उनको हम काफ़ी हद तक कम कर सकें। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी 8 घंटे की नींद पूरी हो, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट ये है आज की एरा में पीसीओडी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है बिकॉज नाइट शिफ्ट रहता है, रात में देर तक जगना है, सुबह लेट उठना है, ये सारी चीज़ें अगेन आपकी रिदम को गड़बड़ कर रहे हैं। सो आप मैक्सिमम 10, 11 तक आपको सो जाना चाहिए ताकि आप मॉर्निंग अपनी जो है वो 6 to 7 पे स्टार्ट कर सको। बिकॉज एक्चुअली जो हमारी स्लीपिंग होती है वो हमारी बॉडी को रीसेट करती है और एक हीलिंग देती है, हमारे हॉर्मोन्स को, हमारी बॉडी को कंप्लीट हीलिंग में जाने का टाइम देता है सो दैट नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम वेकअप होते हैं तो इट्स ऑल रिफ्रेश। लेकिन अगर आप वही बहुत लेट सोए हो और फिर बहुत लेट सुबह उठ रहे हो तो आधा दिन आपका ख़त्म हो जाता है। अल्टीमेटली आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं बिकॉज आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है वो सारा परसिस्ट करता है एंड दैट इम्पैक्ट्स योर बॉडी। अभी बात करते हैं वेज टू मैनेज स्ट्रेस इन योर लाइफ। सी, जब भी आप स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करते हो आप हमेशा ट्राई कर रहे हो कि आप
कि बॉडी में गुड हार्मोन्स जो हैं वो इनकरेज होंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन रिलैक्स करता है आपकी बॉडी को फिजिकली एंड मेंटली। सो मेडिटेशन मस्ट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगेन ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्प करती है आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने में। एंड आप जब भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, आप पाते हो अपने आप को एक बहुत अच्छी मेंटल स्टेट के अंदर। यू शुड परस्यू योर हॉबीज, आपको गार्डनिंग, डांसिंग, म्यूजिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो भी आपको पसंद है, आपको हर उस एक्टिविटी के लिए अपने लाइफस्टाइल में, अपने शेड्यूल में थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। सो दैट ये सारी चीज़ें जब आप करते हो, यू फील मच बेटर। फॉलो योर पैशन, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, अपने लिए आप टाइम निकालो, लव योर सेल्फ, इंस्पिरेशनल आर्टिकल्स पढ़ो। कई बार होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन डिजीज हम बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड या लो सेल्फ इस्टीम फील करते हैं। सो उस समय में आपको इंस्पिरेशनल आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, रीड फ्रॉम अदर्स स्टोरी, लर्न फ्रॉम अदर्स स्टोरी, मोटिवेशनल स्पीच पढ़िए, स्पेंड टाइम विद गुड स्पीकर्स, क्योंकि एक अच्छा स्पीकर आपके अंदर बहुत सारे अच्छे चेंजेस ला सकता है। स्टे एक्टिव, कीप योर सेल्फ बिजी इन कल्टिवेटिंग मोर गुड इन यू, कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए और अपने माइल स्टोन बनाइए और उन्हें डे बाई डे अचीव करने की कोशिश करिए। मे बी इट्स नॉट वेरी इजी टू डू ऑल दिस, लेकिन आप धीरे धीरे अगर एक एक एक्टिविटी को भी अपने शेड्यूल में जगह देते हो तो आप डिफरेंस फील करोगे अपनी बॉडी में। जब भी आप कोई ऐसी चीज करते हो जो आपको बहुत पसंद है, आपकी बॉडी में गुड हॉर्मोन्स का सिक्रेशंस होता है और वो गुड हॉर्मोन्स आपकी बॉडी को डी स्ट्रेस करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट कि आप इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, ख़त्म करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर यही रहेगा कि आप जब तक मेडिसिन ले रहे हो पीसीओडी इज ओके, बट आप मेडिसिन स्टॉप करोगे अगेन रिवर्स हो जाएगा। सो आपको मेडिसिन कंप्लीट करिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो प्ले कर रहा है वो है आपका लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, आपकी डाइट, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका डी स्ट्रेस रखना आपकी बॉडी को, वेट मैनेजमेंट करना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, यू एंजॉय द इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई इन योर लाइफ, ये आपकी बहुत काम आने वाली है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर प्रेस करिए इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।